नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फ्री पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों आप बता दें कि सरकार द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है जिनकी पेंशन रुकी हुई है उन्हें अब पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों चाहे वह उनकी पेंशन वृद्धा पेंशन हो विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो दोस्तों आपको यहाँ पर तमाम जानकारी मिलने वाली है अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको यहाँ पर तमाम जानकारी मिलने वाली है किस किस हिसाब से पेंशन दी जाएगी और कितनी बढ़कर पेंशन दी जाएगी दोस्तों चाहे वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो हरियाणा का रहने वाला हो राजस्थान का रहने वाला हो या फिर बिहार का रहने वाला हो दोस्तों आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपको यहाँ पर तमाम जानकारी मिलने वाली है अगर आप एक पेंशन धारक है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आपको यहाँ पर तमाम जानकारी दे देते हैं पचास लाख केंद्र कर्मचारियों और पैंसठ लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलने वाला है दोस्तों आप बता दें एक लिखित जवाब में वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि कोरोना काल में जिस केंद्र कर्मचारी की पेंशन रोकी गई थी वह जल्द ही उनकी पेंशन अब उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी दोस्तों यहां पर जानकारी दी गई है सरकार ने इन तीन किस्तों को ना देकर सैंतीस हज़ार पाँच सौ तीस करोड़ रुपए बचाए थे दोस्तों जिनका इस्तेमाल कोरोना काल में किया गया था दोस्तों आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 जुलाई 2020 और जनवरी 2020 की महंगाई भत्ता अब उनको मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है कि यह भत्ता सरकार द्वारा एक जुलाई से सरकार द्वारा यह भत्ता एक जुलाई से मिलना प्रारंभ हो जाएगा अब दोस्तों बात आती है कि जो व्यक्ति केंद्र कर्मचारियों से अलग हैं उन्हें पेंशन कम मिलेगी तो दोस्तों वह भी जान लीजिए यहाँ पर बताया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश में मिलने वाली वृद्धा पेंशन दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन अप्रैल महीने में आनी प्रारंभ हो जाएगी और पेंशनधारकों को उत्तर प्रदेश में जो वृद्धा पेंशन मिलती है वह पाँच सौ और दोस्तों जो कुट अवस्था पेंशन होती है या कूट अवस्था पेंशन विकलांग पेंशन के में आती है दोस्तों जिसके तहत चौबीस सौ हर महीने के हिसाब से इनको दिए जाते हैं वहीं दोस्तों हरियाणा बिहार पंजाब इन सभी की पेंशन भी अप्रैल महीने के लास्ट हफ्ते में आना प्रारंभ हो सकती है दोस्तों आप किस राज्य से है क्या आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा ताकि दोस्तों पेंशन आते ही प्रारंभ होते ही हम आपको भी जानकारी दें और आप भी इस पेंशन का लाभ उठा सकें तो दोस्तों आपके जानकारी कैसे लगी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी कोई समस्या है या फिर पेंशन के तहत कोई शिकायत है तो आप हमें अपना जवाब जरूर दें दोस्तों हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे हमें आप कमेंट जरूर करें तो, तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक्स्ट वीडियो में अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं कराए वीडियो को लाइक करें जैसे ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं पूरा एक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत